लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर विरोधियों के हमले तेज हो गए हैं। कोई चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित बयान दे रहा है तो कोई वोट पाने के लिए देश के खिलाफ पाकिस्तान प्रेम दिखा रहा है। अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन का देश विरोधी बयान। कुपवाड़ा में बोले अकबर लोन, कहा पाकिस्तान की एक गाली देने वालों को 10 गाली दूंगा। रविवार को अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी और अकबर लोन पर बीजेपी का पलटवार। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा चाय वाला और चौकीदार नहीं, देश को प्रधानमंत्री चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा गाली गैंग में कंपटीशन चल रहा है, चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अकबर लोन कश्मीर में खुलकर पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। अकबर लोन ने पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए देश विरोधी बयान दिया है। वहीं हैदराबाद में ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने बीजेपी के चौकीदार कैंपेन को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ बिगड़े बोल बोले हैं। यहाँ से उनको गालियां देना, मैं अपने आप को गाली देता हूँ। कोई उनके खिलाफ गाली देगा तो मैं एक को गाली वो देगा, मैं उनको 10 गालियां दे दूंगा। चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, जो चौकीदार 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 हर एक चौकीदार लगा लिया। अरे सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए, सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार, आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ, पासपोर्ट में चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखाओ, यहां पे नहीं चौकीदार। अरे हमको वजीर आजम होना है भाई, ये चौकीदार चाय वाला ये पकोड़े वाला क्या क्या आप और करो। इस गाली गैंग का कंपटीशन चल रहा है और इस गाली गैंग के जो गुरु हैं और जो गुर्गे हैं उन सबको जनता चुन चुन करके उनका हिसाब किताब करेगी, क्योंकि उनको आज भी इस बात वो हजम नहीं कर पा रहे हैं कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 सालों में देश के हालात कैसे बेहतर बनाए। वो आज भी हजम नहीं कर पा रहे हैं कि इन 5 सालों में देश में आतंकवाद और अलगाववाद का पूरी तरह से सफाया करने के लिए मजबूती से क्यों काम किया।